गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक है आपका इस यूनिट का बच्चों, एडवांस क्रॉप प्रोडक्शन यूनिट चल रही है हमारी, उसका लास्ट टॉपिक है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको इंसेक्ट्स के बारे में बताया था, उनकी फैमिली, उनके ऑर्डर और कौन कौन से ऑर्डर्स में कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं, क्या उनके करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं और क्या उनकी क्या होती है बच्चों, डैमेजिंग स्टेज होती है। अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ ये भी बताई थी कि जब इंसेक्ट अटैक करता है तो उसके साथ साथ कई बार क्या करते हैं, वो कैरियर भी होते हैं डिजीज़ के, तो वो डिजीज़ भी कॉज करते हैं प्लांट्स में। तो जब हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना है, पेस्ट जो है उनको तो डिस्ट्रॉय करना ही है, साथ में उनसे होने वाली डिजीज़ को भी हमें क्या करना है, ख़त्म करना है, डिस्ट्रॉय करना है। इसीलिए ये जो पूरा कम्बाइंड मैनेजमेंट बना वो क्या कहला रहा है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू डील विद सर्टेन डिजीज, क्लियर, लाइक विल्स एंड इंसेक्ट पेस्ट सच एज ग्रीन वॉर्म, स्पॉटेड वॉर्म बाय अ नंबर ऑफ अप्रोचेज। द डिजीज एंड इंसेक्ट पेस्ट If not handled in time can cause huge losses to the crop. यदि हम इंसेक्ट और डिजीज दोनों को हैंडल टाइमली नहीं करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। केमिकल्स यूज अगेन सच पेस्ट नॉट ओनली हैव लिमिट, अब हम केमिकल्स यूज कर लेते हैं बट ये केमिकल्स ना केवल क्रॉप को या ना केवल इंसेक्ट को ना डिस्ट्रॉय कर रहा है बल्कि क्रॉप को भी कई बार डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको भी हार्म पहुँचाता है, उसमें काफ़ी सारे साइड इफेक्ट आ जाते हैं। फ्रिक्वेंट एप्लीकेशन ऑफ इनसफिशियंट डोजेज ऑफ सच पेस्टिसाइड बिल्ड रेजिस्टेंस विद इन द ऑर्गेनिज्म, और कई बार क्या होता है, हम बार बार वही केमिकल्स यदि प्लांट्स को देते हैं तो उसके अंदर उनके अगेंस्ट इंसेक्ट्स में उस केमिकल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर आ जाती है तो उनको कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। एक्सेसिव यूज हैज रेसिडुअल इफेक्ट इन द क्रॉप विच ऑल्सो बिकम अ मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन, यदि हमने ज़्यादा केमिकल्स यूज कर रहे हैं तो वो क्रॉप में उसका इफेक्ट दिखाता है और जो क्या कर रहा है इन फ्यूचर अफेक्ट करता है और पॉल्यूशन कॉज करता है। पेस्टिसाइड ऑल्सो इनहिबिट पॉलिनेटर्स एंड प्रीडेटर्स इन द फील्ड विच रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ यील्ड, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो पॉलिनेटर्स और प्रीडेटर्स को भी इनहिबिट कर देते हैं क्योंकि ये भी क्या कर रहे हैं, हेल्प करते हैं फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। IPM इंक्लूड इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेजर सच एज कल्चरल, फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैथड। अब हम IPM के में क्या क्या हम लोग कौन कौन से मैथड पढ़ रहे हैं बच्चों, कल्चरल, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल मैथड। स्टार्ट करते हैं बच्चों इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल से। एनीथिंग दैट इंटरफेयर विद द लाइफ ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड मेक दैम डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन द फील्ड और ऑन प्लांट आइदर बाई किलिंग दैम और डू रिपेलिंग सो दैट देयर पॉपुलेशन इज रिड्यूस्ड इज नॉन एज इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों, आप अपनी ऑन लैंग्वेज में लिख सकते हो कि हम ऐसा मैथड यूज कर रहे हैं जो क्या कर रहा है, या तो इंसेक्ट को किल कर देता है या फिर उसको रिपेल करता है ताकि वो क्या है, प्लांट के पास ना आए, क्रॉप को ये प्रास नहीं आएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और क्रॉप से हाई यील्ड मिलेगी हमें। वेरियस मेथड फॉर देयर कंट्रोल आर एम्प्लॉयड, फर्स्ट इज कल्चरल मेथड। कल्चरल मेथड को बच्चों में कई बार ट्रेडिशनल मेथड भी बोलती हूँ कि हम जो क्रॉप में हम जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं उसी दौरान हम क्या करते हैं, इंसेक्ट को भगाने का जो भी हम लोग देखते हैं ट्रीटमेंट वो कहलाता है कल्चरल मेथड। फर्स्ट आ रहा है बच्चों जैसे टीलेज, टीलेज में क्या बोल रहा है, ये प्लगिंग और फ्लडिंग ड्यूरिंग समर सीजन एक्सपोज हाइबरनेटिंग स्टेज ऑफ इंसेक्ट पेस्ट इनसाइड द सॉइल। हमने क्या करा बच्चों, प्लगिंग करी बिफोर द सोइंग ऑफ द सीड इन द क्रॉप फील्ड। जैसे ही हमने क्या करा, प्लग करा, तो जो उस क्रॉप में क्रॉप पहले जो उससे पहले सीजन की जो क्रॉप थी वो क्रॉप से जो इंसेक्ट के स्पोर्स थे वो कहाँ पे थे बच्चों, उनकी जो स्पोर्स कह दूंगी उनका जो एक पर्टिकुलर स्टेज थी वो वहाँ पे क्रॉप फील्ड के अंदर रहती है काफ़ी लंबे समय तक, ये हमें ध्यान है। तो हम जब प्लगिंग करते हैं तो वो स्टेज जो होती है वो ऊपर आ जाती है और उसके ऊपर आने से हम क्या कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली एक तो क्या कह रहे हैं, सन के कारण वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, दूसरा बच्चों क्या हो रहा है, जो वो ऊपर आ रही है नेचुरल एनिमीज जो होते हैं वो उसको खा जाते हैं। मेरी बात अगेन रिपीट करती हूँ बच्चों, जब फर्स्ट सीजन की क्रॉप थी वो पूरा हमने हटा दिया, नेक्स्ट सीजन की जब क्रॉप की सोइंग करेंगे, सीड की सोइंग करेंगे, उससे पहले हम प्लगिंग करते हैं। वाई, उसके पीछे रीजन ये है कि जो पहले क्रॉप की इंसेक्ट पेस्ट की स्टेज थी, पर्टिकुलर स्टेज जो कि क्या कर रही है, डैमेज कर रही है नेक्स्ट क्रॉप फील्ड को, तो वो स्टेज जो होती है उस सॉइल के अंदर
छुप के रहती है, हाइबरनेट होके रहती है। जैसे ही हमने प्लगिंग करी तो वो बाहर की तरफ आ जाती है और बाहर आने से नेचुरल एनिमीज उसे देख लेते हैं और वो उसे खा जाते हैं, या फिर सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने पर वो किल हो जाती है। प्लगिंग और फ्लडिंग ड्यूरिंग समर सीजन एक्सपोजेज हाइबरनेटिंग स्टेज ऑफ इंसेक्ट्स इनसाइड द सॉइल। स्टेजेस लाइक एग, कौन कौन से स्टेजेस बता रहा है, कुछ के एग होते हैं, कुछ के लार्वा होते हैं, कुछ के प्यूपा वाली स्टेज होती है इंसेक्ट की, आर फाउंड हिडन डीप इनसाइड द सॉइल। दीज आर एक्सपोज टू देयर नेचुरल एनिमीज एंड हॉट सन ड्यू टू टीलेज ऑपरेशन। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे क्लियर हुआ टॉपिक टीलेज कल्चरल मेथड का। सेकेंड आते क्लीन कल्टिवेशन। क्या बोल रहा है बच्चों, क्लीन कल्टिवेशन का मतलब वीड्स एंड बंड ऑफ फील्ड आर इम्पॉर्टेंट फॉर काय फॉर हाइबरनेटिंग इंसेक्ट पेस्ट, दो क्लीनिंग ऑफ बंड एंड रेगुलर रिमूविंग ऑफ वीड पेस्ट पॉपुलेशन इज मिनिमाइज्ड। अब क्लीनिंग कल्टिवेशन का मतलब ये होता है बच्चों कि आपकी जो मेन क्रॉप है वो तो ग्रो हो ही रही है, उसके साथ साथ जो अनवांटेड प्लांट्स वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं उनके नीचे इनकी वो स्टेजेस जो होती हैं वो रहती हैं, किसकी, इंसेक्ट की। तो हमें क्या करना है बच्चों, जो वीड्स हो जाएंगे, जो आपके बंड्स होते हैं, उन सबको रेगुलरली क्लीन करना होता है ताकि इन इंसेक्ट्स की इन स्टेजेस को छुपने का कोई भी स्पेस ना मिले और वो आगे ग्रो ना करें, ठीक है। द वीड्स एंड बंड ऑफ द फील्ड आर इम्पॉर्टेंट फोकाई फॉर हाइबरनेटिंग इंसेक्ट पेस्ट, वो वाले इंसेक्ट पेस्ट जो कि उनके नीचे छुपके रहते हैं। दो क्लीनिंग ऑफ बंड एंड रेगुलर रिमूविंग ऑफ वीड्स पेस्ट पॉपुलेशन इज मिनिमाइज्ड एंड क्रॉप रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप मस्ट बी डिस्ट्रॉयड। ये चीज़ मैंने पहले में भी बताई थी कि पहले वाली क्रॉप का जो रेसिड्यू होता है उसको अच्छे से क्लीन करना होता है। क्रॉप आइसोलेशन, क्रॉप आइसोलेशन बच्चों क्या होता है, कहने का मतलब कि एक क्रॉप फील्ड है, दूसरी क्रॉप फील्ड है, उनके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए अगर वो सेम टाइप ऑफ क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। अगर उनके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी तो जो इस फील्ड के इंसेक्ट हैं वो उड़ के दूसरी फील्ड तक नहीं जा पाएंगे, तो जो पॉपुलेशन है इंसेक्ट की वो वन फील्ड से अनदर फील्ड में नहीं पहुंच पाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप आइसोलेशन बोलते हैं। क्रॉप ऑफ द सेम ग्रुप और सेम फैमिलीज इफ ग्रो क्लोज बाय इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ होस्ट। समझ रहे बात, कि हमने क्या करा, सेम ग्रुप की और सेम फैमिली की क्रॉप को पास में उगा दिया तो क्या होगा, दिस मे इंक्रीज द पेस्ट पॉपुलेशन। इफ़ द क्रॉप इज आइसोलेटेड एज अ सफिशियंट डिस्टेंस, हमने उसे सफिशियंट डिस्टेंस पे उगाया है, द मूवमेंट ऑफ पेस्ट फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर कैन बी अवॉइडेड, सो देयर कंट्रोल बिकम इजियर। क्लियर। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिंग सोइंग और प्लांटिंग टाइम। हमें थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इंसेक्ट का कौन सी इंसेक्ट पेस्ट जो है इंसेक्ट है इस क्रॉप पे वर्क कर रहा है, ठीक है, उसकी कौन सी स्टेज मेनली हार्मफुल होती है, तो हमें उस स्टेज को ध्यान में रखते हुए क्रॉप की सोइंग करनी है। जिससे क्या होगा कि अगर वो स्टेज जो कि प्लांट को हार्म करिए, मान लो किसी की एग स्टेज कर रही है, किसी की एडल्ट स्टेज कर रही है, तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए सोइंग करी तो वैसे ही क्या होता है, क्रॉप जो होती है वो इंसेक्ट पेस्ट से, इंसेक्ट से बच जाती है। This is dogging strategy by which the host or its suitable stage is made available for the pest. बात समझ में आ गई कि इसके अकॉर्डिंग हम होस्ट को जो होस्ट की जिस स्टेज को प्लांट चाहिए, क्रॉप चाहिए, वो स्टेज नहीं मिल पाती, उस स्टेज को वो को नहीं मिल पाती है required for infestation, उसे उसके अंदर क्रॉप के अंदर इन्फेस्ट करने के लिए। क्रॉप रोटेशन, वो क्लियर हो गया बच्चों, इसका मतलब अल्टरनेटिव सोइंग एंड प्लांटिंग टाइम, कि हमें ध्यान रखना है कि कौन सी स्टेज किस टाइम पीरियड पे उस क्रॉप में एंटर कर रही है, उस टाइम पीरियड पे हमें उस क्रॉप की सोइंग नहीं करके दूसरे टाइम पे करनी है। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन तो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं हम कि क्रॉप रोटेशन, फर्स्ट ईयर हमने एक क्रॉप उगाई, नेक्स्ट ईयर दूसरी क्रॉप उगाई, तो जो इंसेक्ट थी जो नेक्स्ट ईयर उसी है ना उस पर्टिकुलर क्रॉप पे ही वर्क कर रहे थे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लॉन्ग क्रॉप रोटेशन मिनिमाइज द इन्वेशन ऑफ होस्ट स्पेसिफिक इंसेक्ट पेस्ट, उस चीज़ को क्या बोलते हैं बच्चों, होस्ट स्पेसिफिक की, एक पर्टिकुलर क्रॉप पे एक पर्टिकुलर इंसेक्ट ही वर्क करता है। इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव होस्ट वीड्स और अदर प्लांट हार्बोरिंग इंसेक्ट पेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ मेजर होस्ट, इफ देयर इज रिमूव्ड ब्रेक द चेन ऑफ द होस्ट अवेलेबिलिटी एंड कंट्रोल द पेस्ट पॉपुलेशन। देखो बच्चों क्या कह रहे हैं हम कि क्रॉप फील्ड है, उस क्रॉप फील्ड पे कई बार हम उसको है ना फ्री छोड़ रहे हैं या क्रॉप फील्ड के साथ ही ऐसे वीड वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं जो क्या कर रहे हैं बच्चों कि उस इंसेक्ट के लिए वो उनको भी खा रहे हैं, वो उसके अंदर भी इन्फेस्ट कर रहे हैं, उनको भी उनसे भी अपना फूड ले रहे हैं, तो हमें क्या करना है बच्चों, उन वीड्स को हटा देना है ताकि
क्या हो इंसेक्ट को प्रॉपर क्या नहीं मिले, होस्ट ना मिले और वो ग्रो ना कर पाए। तो ये हो गया इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेट होस्ट वीड्स और अदर प्लांट हार्बोरिंग इंसेक्ट पेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ द मेजर होस्ट। मेजर होस्ट के यानी जो मेनली उनका होस्ट था, मतलब वीट प्लांट था, वीट प्लांट की जगह कोई दूसरी ग्रास भी होगी उस पर भी वो वर्क कर रहे हैं तो हमें उसको भी वहाँ से हटाना है। इफ देर आर रिमूव ब्रेक द चेन, तो चेन ब्रेक हो जाएगी होस्ट अवेलेबिलिटी की और पेस्ट पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। प्लांटिंग ट्रैप क्रॉप, ट्रैप क्रॉप नाम से समझ आ रहा है कि हमें इस तरह की क्रॉप को ग्रो करना है जो उसको बांध के रखे। ट्रैप क्रॉप ऑफ लेस इकोनॉमिक वैल्यू, कि हमें उस जगह पे लेस इकोनॉमिक वैल्यू की क्रॉप को वहाँ पे ग्रो करवाना होता है। इज प्लांटेड बिफोर प्लांटिंग द मेन क्रॉप टू अट्रैक्ट इंसेक्ट पेस्ट टुवर्ड इट एंड द क्रॉप अलॉन्ग विद द पेस्ट इज डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली बिफोर द इंसेक्ट रीचेज द रिप्रोडक्टिव फेज। यानी बात यहाँ पे भी वही वाली चीज़ आ गई बच्चों कि जो मेन स्टेज जो कि क्रॉप को हार्म करती है उसकी जगह हमने लो इकोनॉमिक वैल्यू वाली क्रॉप को पहले ग्रो करवा दिया, तो वो जो इंसेक्ट की हार्मिंग स्टेज थी वो जो है वो उस लो लेवल वाली क्रॉप पे वर्क कर लेती है, उससे अपना फूड ले लेती है। अब जब हमने अपनी क्रॉप उगाई तो उस समय तक वो इंसेक्ट जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। एक्सक्लूजन ऑफ इन्फेस्टेड प्लांट और प्लांट और पार्ट। अब ये सिंपल है, एक्सक्लूजन तो सिंपल सी चीज़ है कि जिस प्लांट पे क्या हो गया हो इंसेक्ट वर्क कर रहा है उस प्लांट को उखाड़ के फेंक दो या उस प्लांट के पार्ट को उखाड़ के फेंक दो। रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेस्टेड प्लांट एंड देयर पार्ट रिड्यूस पॉपुलेशन एंड फुकाई ऑफ पेस्ट इन द फील्ड। तो ये हो गए बच्चों सारे कल्चरल मैथड। अब आते हैं हम नेक्स्ट फिजिकल मैथड पे। फिजिकल मैथड क्या है बच्चों? दीज मैथड आर मोस्टली यूजफुल इन कंट्रोलिंग पेस्ट इन अ क्लोज एनवायरनमेंट लाइक स्टोरेज एंड ग्रीन हाउस और पॉट प्लांट। फिजिकल मैथड मेनली कहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं? जब हम क्रॉप को किसी जगह पे लाके स्टोर कर रहे हैं बच्चों उस जगह पे, या फिर ग्रीन हाउस जहाँ पर होते हैं या फिर पॉटेड प्लांट्स रहते हैं उस जगह पे हम फिजिकल मैथड्स को यूज करते हैं। क्योंकि बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, रेडिएशंस दे देंगे, ऑल्टरनेटेड ह्यूमिडिटी चेंज कर लेंगे क्योंकि इंसेक्ट एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी पे ही वर्क करता है। तो इन सब कंडीशंस को चेंज करने से भी इंसेक्ट जो होता है वो किल हो जाएगा। दिस इंक्लूड मॉडरेशन इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंजेस लाने, रेडिएशन देने और ऑल्टरनेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। ड्रायर कंडीशन आर अनफेवरेबल फॉर पेस्ट। ड्रायर कंडीशन, बहुत ड्राई कंडीशन में पेस्ट कभी भी वर्क नहीं करता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सिमिलरली लो टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज इनहिबिट इन्फेस्टेशन। यूवी एंड गामा रेज ऑल्सो प्रूव लीथल फॉर द पेस्ट। ठीक है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखा तो बेटा टेम्परेचर लो रखना चाहिए, यदि ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग देखा तो ड्राई यानी वहाँ पे मॉइस्चर कम से कम होना चाहिए, और यदि रेडिएशन के अकॉर्डिंग देखें तो यूवी और गामा रेज, हम वहाँ पे यदि यूवी और गामा रेज होती हैं तो वो क्या कर रही हैं वहाँ पे इंसेक्ट को किल कर देती है। फिर आते हैं बच्चों मैकेनिकल मैथड। मैकेनिकल मैथड्स क्या हैं बच्चों? रिमूवल ऑफ इन्फेस्टेड पार्ट एंड इंसेक्ट गैलरी ऑल्सो मिनिमाइज देयर पॉपुलेशन। सिंपल सी चीज़ है कि हमें क्या करना है, जो इंसेक्ट होता है वो जो इंसेक्ट है इन्फेस्टेड पार्ट, इन्फेस्टेड पार्ट का मतलब होगा प्लांट का वो पार्ट जिस पे क्या हो रहा है इंसेक्ट इन्फेस्ट कर रहा है उस पार्ट को ही मैं हटा दूंगी, या फिर इंसेक्ट गैलरी जो है उसको हम मिनिमाइज कर देंगे जिससे पॉपुलेशन अपने आप ही, इंसेक्ट गैलरी को ही रिमूव कर देंगे जिससे पॉपुलेशन अपने आप ही मिनिमाइज हो जाएगी। अब इसमें कौन कौन से मैथड हैं बच्चों? पहला मैथड है हैंड पिकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग। नाम से समझ आ रहा है, हाथ से लेना है। दिस इंसेक्ट द इंसेक्ट और देयर एग कैन बी हैंड पिक्ड एंड डिस्ट्रॉय। उन्हें हाथ से उठाते हैं हम और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ट्रैचिंग द फील्ड दिस कॉज सर्टेन इंसेक्ट टू कन्फॉर्म टू अ पैचेज विद नो मूवमेंट एल्सवेयर एज लोकस्ट। ये यहाँ पे कह रहा है कि जो बिना मूवमेंट के वो उसी फील्ड में रह रहे हैं उस समय पे हम ये वाला करते हैं ट्रीटमेंट, ट्रैचिंग द फील्ड दिस कॉज। ये क्या करेगा? सर्टेन इंसेक्ट टू बी कन्फॉर्म टू अ पैच विद नो मूवमेंट, कि वो पैच की फॉर्म में उस जगह पे रह रहे हैं, किसी तरह का मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, उस समय हम क्या कर रहे हैं फील्ड से उसको क्लियर कर रहे हैं। फिर आते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या है? वायर मैस प्रोटेक्ट। हमें पहले से जिस जगह पे क्या करना है क्रॉप को कल्टीवेट करना है उस जगह पे वायर मैस लगा देते हैं जिससे इंसेक्ट अंदर एंटर ही ना करें फ्रॉम बर्ड्स मॉथ एंड रोडेंट अटैक के लिए।
और स्टिकी बैंड्स क्या हैं बच्चों? स्टिकी बैंड्स क्या होते हैं बच्चों? सिंपल एक हमने स्टिक्स एक लाइन बना दी और उस लाइन पे एक पाउडर हमने छिड़क दिया और उस जगह पे चाहे कोई भी इंसेक्ट आएगा वो उसकी स्मेल करेगा और वो किल हो जाएगा। या सेकेंडली हम क्या करते हैं बच्चों, पेपर्स ले लेते हैं, उनके ऊपर गम लगा के उस पर वो पाउडर छिड़क देते हैं तो जो रोडेंट्स हैं वो वहाँ आते हैं, वो उसको सूंघते हैं या फिर खाने की भी कोशिश करेंगे तो वो किल हो जाते हैं। स्टिकी बैंड आंट, वाइट आंट एंड अदर टाइनी इंसेक्ट स्टिक ऑन द बैंड्स एंड डाई देयर विदाउट मूविंग एनीवेयर आफ्टरवर्ड। जैसे ही वहाँ पहुँचे उसको स्मेल किया और वो वहीं पे डाई हो जाते हैं। डिफरेंट कलर अट्रैक्ट इंसेक्ट और डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो कार्डबोर्ड्स हैं वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। सो कलर्ड पेपर आर पेस्टेड ऑन अ कार्डबोर्ड एंड स्टिक मटीरियल इज स्प्रेड ओवर इट। हमने स्टिकी मटीरियल उस पर स्प्रेड कर दिया बच्चों। येलो कलर अट्रैक्ट वाइट फ्लाइज, अब ये बता रहा है सबसे ज़्यादा येलो कलर अट्रैक्ट करता है वाइट फ्लाइज, ठीक है। और ये तो हुआ बच्चों कौन सा, स्टिक बैंड। और लास्ट है आपका लाइट ट्रैप। लाइट ट्रैप नाम से समझ आ रहा है बच्चों, हम क्या कर रहे हैं जहाँ पे डार्क होता है, अंधेरा होता है, एक जगह पे लाइट हम लोग जला देते हैं तो उस जगह पे सारे इंसेक्ट आ जाते हैं और जहाँ फिर हम उस जगह पे क्या कर देते हैं, फ्यूमिगेशन देते हैं तो वो सारे के सारे इंसेक्ट जो होते हैं वहीं किल हो जाते हैं। फोटोट्रॉपिक इंसेक्ट सच एज बॉरर्स, बॉरर्स जो होते हैं आर अट्रैक्टेड टू लाइट ड्यूरिंग नाइट। नाइट के समय हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे लाइट जला रहे हैं, उस जगह पे सारे के सारे फोटोट्रॉपिक इंसेक्ट आ जाते हैं। लाइट सोल्व विद अ ट्रैप ऑफ कैरोसिन और सम पेस्टिसाइड सॉल्यूशन। उस जगह पे हम कैरोसिन का स्प्रे करते हैं या कुछ पेस्टिसाइड सॉल्यूशन का स्प्रे करते हैं, विल ट्रैप सच इंसेक्ट एंड प्रोवाइड इफेक्टिव कंट्रोल। तो ये हुआ बच्चों आपका फिजिकल मैकेनिकल कंट्रोल, ठीक है। तो हमने अभी कौन कौन से देखे हैं, मैकेनिकल हो गए बच्चों, फिजिकल हो गए आपके और कल्चरल मेथड हो गए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट। नाम से समझ आ रहा है कि इंसेक्ट को किल करने के लिए हम बायो एजेंट्स को यूज करेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बच्चों क्या रहता है, एक तरह का बैक्टीरिया होता है बैसिलस थ्रोएंसिस। बैसिलस थ्रोएंसिस जो होता है वो क्या कर रहा है बच्चों, उसके पास एक तरह का प्रोटीन होता है जो एल्कलाइन इन नेचर होता है। नॉर्मली बैसिलस थ्रोएंसिस में ये बैक्टीरिया जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे ही हमने क्या करा, इस बैसिलस थ्रोएंसिस का स्प्रे बनाया वाटर के साथ और इसको हमने उस प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दिया तो जब इंसेक्ट के कैटरपिलर उसको खाते हैं तो सॉरी उसको हाँ बैसिलस थ्रोएंसिस या उस लीफ को खा रहे हैं तो लीफ के खाने से वो बैसिलस थ्रोएंसिस उस इंसेक्ट के अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद जब वो स्टॉमक में पहुँच रहा है तो उस जगह पर पहुँचने के कारण एक चीज़ बच्चों स्टार्टिंग में बोली थी मैंने कि प्रोटीन जो होता है एल्कलाइन मीडियम में वर्क करता है, ठीक है। ये एल्कलाइन मीडियम जो है बैसिलस थ्रोएंसिस में नहीं मिलता उसे, बट कहाँ पे मिलता है, इंसेक्ट के स्टॉमक में, उसको इंटेस्टाइन में एल्कलाइन मीडियम मिल जाता है तो उस जगह पे जाके ये क्या कर रहा है, एक्टिव हो जाता है और वो क्या करता है स्टॉमक या इंटेस्टाइन में होल्स कर देता है जिससे वो इंसेक्ट किल हो जाता है। तो एक बहुत अच्छा मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल बताया कि एक बैक्टीरिया से एक इंसेक्ट कि किल हो रहा है, इसी चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल बोल रहे हैं। अभी अलग अलग तरह के बैक्टीरिया बताएगा, अलग अलग तरह के फंगस बताएगा आपको। फ्रेंडली इंसेक्ट बैक्टीरिया फंगाई आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल एज बायो एजेंट। ट्राइकोग्रेमा, क्राइसोपा, नैबिट बग, पेंटा टोमेट बग, बिग आइट बग, लैडी बग बैटल्स, टाइगर बैटल, रोबर फ्लाई, कैराफिड फ्लाई, ऑरियस बग, टेक्निड फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, स्प्राइडर, मैंटिड प्रीडेट, ऊवर इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है। तो कौन कौन से बायो एजेंट इसने बताए, बहुत सारे ये वाले बायो एजेंट हैं जिनमें कुछ इंसेक्ट ही ऐसे हैं जो दूसरे इंसेक्ट को किल करते हैं, ठीक है। हैंस दे आर नॉन एज फ्रेंडली इंसेक्ट, इसलिए इनको फ्रेंडली इंसेक्ट बोला जाता है क्योंकि ये इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट को किल करते हैं। ऐसे ही एक एग्जांपल अभी मैंने बताया बैसिलस थ्रोएंसिस बैक्टीरियम कंट्रोल स्पॉटेड किसको किल कर रहा था, कौन से इंसेक्ट को किल करता है, वो बुलवर्म, पिंक बुलवर्म और ग्रीन बुलवर्म को वो किल करता है। इसके अलावा बच्चों स्पोर फॉर्मेशन ऑफ वर्टिसिली मालकेनी एट द रेट ऑफ 2.5 to 5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर इज यूज टू कंट्रोल लार्वा एंड निम्फ ऑफ सकिंग पेस्ट। हमें क्या करना है, वर्टिसिली
मालकिनी के स्पोर्स को पानी के साथ, कितने पानी के साथ, 2.5 to 5 ग्राम पर लीटर, एक लीटर में इतने ग्राम स्पोर हमने लिया और उसके साथ एक स्प्रे बनाया और इससे हमने किसको किल किया, लार्वा और निम्फ, सकिंग पेस्ट के लार्वा और निम्फ को हमने किल करा। ऐसे ही वाइटेस्ट ग्रोथ ऑफ बैवरिया एट द रेट ऑफ 5 to 10 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर इज फाउंड टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट बैटल्स एंड देयर कैटरपिलर। इसके अलावा जो बैटल्स और कैटरपिलर जो होते हैं, इनको किल करने के लिए हमने क्या लिया, वाइटिस ग्रोथ ली किसकी, बैवरिया की। किस कंडीशन में बच्चों, 5 से 10 ग्राम हमने एक लीटर पानी में घोला, उसका स्प्रे करा है जिससे बैटल्स और कैटरपिलर मर गए। इसी तरीके सिमिलरली मेटराइजम ग्रैनिस ग्रोथ ऑफ फंगस, ये हो गया फंगस आ गया बच्चों, कवर द कैटरपिलर एंड कंट्रोल बैटल्स फ्लाई एंड होपर्स। ये क्या करती है, बैटल्स फ्लाई और होपर्स को कवर करती है, उनके कैटरपिलर को कवर कर देती है और उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। फंगस हिरसुटीला इज इफेक्टिव अगेंस्ट माइट्स, हिरसुटीला माइट्स के लिए इफेक्टिव होता है बच्चों। ऐसे एक वायरस के बारे में बता रहा है बच्चों, कौन सा वायरस है ये, हीलियोथिस न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, ठीक है, ये HANPV की फुल फॉर्म है बच्चों। ये वायरस क्या कर रहा है, इज फाउंड इफेक्टिव अगेंस्ट बुलवर्म, किसके अगेंस्ट होता है, बुलवर्म के अगेंस्ट होता है। वेरियस कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ अबव मेंशन फॉर्मुलेशन आर अवेलेबल इन द मार्केट। क्लियर हुआ बच्चों कि अलग अलग, जैसे इंसेक्ट बताया, इंसेक्ट को किल करते हैं, उसके बाद बैसिलस फ्रेंसिस बैक्टीरिया बताया, उसके बाद बच्चों मैंने आप लोगों को इसी तरह स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स बताए कि इनके स्पोर्स ये वर्क कर रहे हैं, उसके अलावा मैंने फंगस बताया, फंगस के बाद हमने वायरस देखा जो कि क्या कर रहा है, इंसेक्ट को किल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिविंग थिंग्स ही लिविंग थिंग्स को किल कर रही है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं बच्चों केमिकल मेथड्स, केमिकल नाम से समझ आ रहा है कि केमिकल्स को यूज करेंगे फॉर द किल टू इंसेक्ट। यूज ऑफ केमिकल्स टू किल एंड रिपेल इंसेक्ट पेस्ट कम अंडर दिस मेथड। सबसे है डस्ट, सिंपल डस्ट नाम से समझ आ रहा है, ड्राई फॉर्मुलेशन बनाएंगे और उसको हम वहाँ पे क्या कर देंगे, एक तरह से डस्ट कर देंगे। ड्राई फॉर्मुलेशन विद इनर्ट कैरियर अवेलेबल कंसंट्रेशन, ड्राई जो हम कर रहे हैं फॉर्मुलेशन उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1 to 10 ग्राम होती है। इसके एग्जाम्पल ड्राई, जो ड्राई हम लोग वहाँ पे डस्ट कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल क्या है, क्विनोल फोन 4D जो कि ड्राई फॉर्म में हम वहाँ पे डस्ट करते हैं। नेक्स्ट है वेटेबल डिस्प्रेबल पाउडर, वेटेबल नाम से समझ आ रहा है थोड़ा सा पानी उसके अंदर होगा, ठीक है। ड्राई फॉर्मुलेशन बट कैन बी अप्लाइड इन वाटर, दोनों कंडीशन बोली थी बच्चों मैंने, वेटेबल भी बोली और डिस्प्रेबल पाउडर, डिस्प्रेबल पाउडर डिस्पर्स्ड हो जाता है वो वहाँ पे, तो ये ड्राई फॉर्म में भी लेते हैं और कई बार पानी के साथ मिला के भी लेते हैं। कौन सा है बच्चों, कार्बोक्साइल 75 WP। उसके बाद ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में भी होते हैं बच्चों, उनका ड्राई फॉर्मुलेशन लेते हैं बट उनका जो पार्टिकल साइज होता है मोर देन फाउंड इन पाउडर, पाउडर फॉर्म में मिल रहा है इसका ड्राई फॉर्मुलेशन हमारे पास है, इन्हें हम सॉइल के साथ मिला देते हैं, ठीक है। ग्रेन्यूल्स में क्या कर रहे हैं, सॉइल के साथ इनको मिला देते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं फॉरेट 10G एंड कार्बोफ्यूरेन 3G जो कि हम क्या कर रहे हैं, सॉइल के साथ मिला रहे हैं। इमल्सिफिकेबल कंसंट्रेशन लिक्विड फार्मूलेशन विद इमल्सिफाइल एजेंट, हम क्या कर रहे हैं, अब लिक्विड फार्मूलेशन कर रहे हैं एक इमल्सिफाइंग एजेंट के साथ, इसको ऐड करके विच फॉर्म इमल्सन इन वाटर, वो वाटर के साथ क्या कर रहा है, इमल्सन फॉर्म कर रहा है। यूज फॉर एरोसोल और फोलियर स्प्रे, एरोसोल अपन हवा में जो स्प्रे करते हैं उसके लिए हम इसको यूज करते हैं इमल्सिफायर कंसंट्रेशन को। मोस्ट ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स आर अवेलेबल इन दिस फॉर्मुलेशन, काफ़ी सारे इंसेक्टिसाइड इस फॉर्मुलेशन के लिए अवेलेबल हैं। कौन कौन से हैं एग्जाम्पल बच्चों, साइपरमिथ्रीन 5EC, मेलाथियन 50EC, ये हैं जो कि हम इमल्सिफाइंग एजेंट की फॉर्म में यूज करते हैं। और नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल कंसनट्रेशन, नाम से समझ आ रहा है वाटर के साथ ऐड करके सोल्यूबल फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है मोनोक्रोटोफोन 36 WSC। उसके बाद है फ्यूमिगेंट्स, फ्यूमिगेंट्स का मतलब क्या है, जिसका हम धुआं देंगे, धुएं की फॉर्म में, दे आर फाउंड इन लिक्विड, लिक्विड की फॉर्म में भी हैं, सॉलिड की फॉर्म में भी हैं। किसे यूज करते हैं बच्चों, मिथाइल ब्रोमाइड एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, बट दीज फ्यूमिगेंट्स एक्ट एज अ गैसियस स्टेट, ये इनकी गैसियस स्टेट में ही वर्क करते हैं एंड आर यूज्ड
इन स्टोर्ड ग्रेन, इन्हें मेनली स्टोर्ड ग्रेन में, मैंने आपको बताया था स्टोर्ड ग्रेन को हमको क्या करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हमें फ्यूमिगेशन देना होता है। तो ये हो गए बच्चों केमिकल्स जिन्हें अलग अलग तरीके से अप्लाई किया जाता है, ड्राई फॉर्म में, वेटेबल फॉर्म में, ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में, इमल्सिफिकेशन की फॉर्म में, वाटर के साथ सॉल्यूबल फॉर्म में और फ्यूमिगेट करने में। उसके बाद एक टेबल और है बच्चों आपकी, पॉपुलर पेस्टिसाइड्स एंड देयर डाइल्यूशंस। पॉपुलर पेस्टिसाइड्स बच्चों कौन कौन से बता रहा है, जैसे कार्बोक्साइल, इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट 50 होते हैं, फॉर्मुलेशन पाउडर होता है, 0.1% डोज दी जाती है, फोलियर स्प्रे किया जाता है या सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं। डाइकोफोल 18.5 लिक्विड फॉर्म में, 0.25% फोलियर स्प्रे किया जाता है इसका। डिक्लोरोफॉस 75 लिक्विड फॉर्म में, 0.1% फोलियर स्प्रे किया जाता है। डाइमिथ्योरेट 30 लिक्विड होता है, 0.05% फोलियर स्प्रे किया जाता है। डिनोकैप 25 एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं बच्चों, लिक्विड फॉर्म में होता है, 0.05% फोलियर स्प्रे किया जाता है। मेलाथियोन 50 एक्टिव इंग्रेडिएंट है इसमें, लिक्विड फॉर्म में होता है, 0.1% फोलियर स्प्रे किया जाता है। 4-8-10 एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होता है, 0.1% और सॉइल के साथ मिक्स करके इसको यूज करते हैं। तो बच्चों ये सारे आपके हो गए इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल के जितने भी मेथड थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे।